महादेव जी कहते हैं, आप जल्द ही कुछ बहुत खास मनाने जा रहे हैं। आप अपनी खुशखबरी साझा करने में बहुत आनंद और इतनी खुशी से भरे होंगे। ये लगभग इस दुनिया से बाहर प्रतीत होगा कि यह सब आपके लिए अचानक कैसे हो गया। इसके लिए तैयार रहें, इसकी उम्मीद करें, ये हो रहा है। आपकी रोमांटिक लाइफ इतनी शानदार बनेगी कि आप पहले से कहीं ज्यादा ऊंची उड़ान भरने के लिए पंख फैलाएंगे। प्यार आपको सचमुच ठीक कर देगा। आपको एक नई और ताजी ऊर्जा मिलेगी। आप जल्द ही समझ जाएंगे कि आपकी टाइमिंग सही क्यों है और चीजों को क्यों होना चाहिए था जिस तरह से यह आपको मार्गदर्शन करने के लिए किया था जहां आप होना चाहते थे। यदि आप भगवान में विश्वास करते हैं तो 1111 टाइप करें। सब कुछ अचानक होगा और आप आभारी रहेंगे कि आपने हार नहीं मानी। आशीर्वाद आ रहे हैं। यदि आप इस संख्या को लगातार देखते हैं तो इसका मतलब है कि देवदूत आपके साथ हैं। आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त करने वाले हैं जो सब कुछ बदल देगा। यदि आप भगवान में विश्वास करते हैं तो 1111 टाइप करें। अधिक आमदनी वाली एक बेहतर नौकरी आपके रास्ते में आ रही है। इसे अस्तित्व में बोलो, आराम करो, सब कुछ सही समय पर चल रहा है। यदि आप भगवान में विश्वास करते हैं तो 1111 टाइप करें। 888 आपकी परी अभी आपके लिए कुछ नया कर रही है। आज की ताज़ा खबर, हर उंगली जो इसे छूता है उसे महीने के अंत से पहले अच्छी खबर मिलेगी। महादेव जी चाहता है कि आप आज ये जानें, पीछा मत करो, भीख मत मांगो, तनाव मत लो, हताश मत हो, बस आराम करो। जब आप आराम करेंगे तो यह आपके पास आएगा कि आप अपनी इच्छाएं बनाएं, आपको चाहते हैं। महादेव जी कहते हैं, ब्रह्मांड पर भरोसा करें, इंतजार खत्म हुआ। आपके लिए कुछ आश्चर्यजनक आ रहा है। अपना कंपन बढ़ाएं और इसे प्रवाहित होने दें। आपका आशीर्वाद रास्ते में है। क्या आप तैयार हैं? इस सप्ताह ब्रह्मांड आपको अपने पैरों पर वापस ला रहा है, अपने जीवन की सबसे बड़ी वापसी के लिए। 999 एक परी संकेत है कि आप जिस आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहे हैं वह आपको प्राप्त होगा। एक चमत्कार अभी आपके सामने है। चमत्कार आपके पूरे जीवन को बदलने के लिए काफी बड़ा है। आप तैयार हैं। एक दिन आपके सभी सपने सच होते हैं, जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा जल्दी। मैं अपने मनचाहे प्यार का इजहार कर रहा हूँ। मैं जो करियर चाहता हूँ उसे प्रकट करना। मैं जो खुशी चाहता हूँ उसे प्रकट करना। कमरों में तेरा नाम लिखा है, अभी तेरे पांव नहीं घुसे। महादेव जी आपके जीवन में कुछ अद्भुत करने जा रहा है। चलते रहो। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें। ये 7 वादे हैं भगवान से। वो हर आंसू पोंछ देगा। वो आपके लिए सबसे अच्छा जानता है। वो हमेशा आपकी बात सुनेगा। वो आपकी रक्षा करेगा। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो आपको शांति देगा। वो आपसे हमेशा प्यार करेगा। जब महादेव जी यह अगले दरवाजे को खोलता है, आप ये समझने जा रहे हैं कि दुश्मन ने आपसे इतनी मेहनत क्यों की। महादेव जी कहते हैं, मैंने पहले आपकी मदद की थी, निश्चिंत रहें कि मैं अभी आपकी मदद कर रहा हूँ, और निश्चिंत रहें कि मैं भविष्य में आपकी मदद करने के लिए हमेशा यहाँ रहूँगा। मैं आपसे प्यार करती हूँ। 222 यदि आप इसे पढ़ रहे हैं तो इस सप्ताह आपके लिए करियर का एक बड़ा अवसर आ रहा है। यह अवसर आपको उन लोगों के साथ कमरे में रखेगा जिन्हें आपने बचपन से देखा है। अभी दावा करो। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके जीवन में कुछ इतना बड़ा करने जा रहा हूँ कि यह आपके दुश्मनों को चौंका देगा और आपकी दुनिया को हिला देगा। मत छोड़ो, हिम्मत मत हारो। आप जिसके लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान उससे बेहतर दरवाजा खोलने जा रहे हैं। आप उसके हाथों में सुरक्षित हैं। भगवान आप पर नजर रखेंगे और आपकी रक्षा करेंगे। अगर आपको विश्वास है तो आमीन कमेंट करें। महादेव जी कहते हैं, ठीक समय पर भगवान इसे पूरा करेगा। अगला व्यक्ति महादेव जी आपको आशीर्वाद देने वाला है,
तैयार हों। वरदान पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कहते हैं, जीवन का अर्थ है, इसका उद्देश्य है और आपके जीवन में उद्देश्य है। आप महत्वपूर्ण हैं। अपना जीवन पवित्र जियो, पाप से भागो और अपने भाइयों और बहनों की सहायता करो। आपके जीवन में शांति रहेगी, चिंता दूर होगी, निराशा दूर होगी। आप पर इसकी पकड़ है, चमत्कार आ रहा है। मैं आपसे प्यार करती हूँ। महादेव जी कहते हैं, मुझे विश्वास है कि आप सफल हो सकते हैं। मैंने तुम्हें एक कारण के लिए बनाया है। आपका जीवन कोई दुर्घटना नहीं है। मैंने तुम्हें चैंपियन बनाया। महादेव जी आपकी देखभाल करेगा, वो सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। महादेव जी कहते हैं, सकारात्मक और खुश रहें, कड़ी मेहनत करो और उम्मीद मत छोड़ो। आलोचना के लिए खुले रहें और सीखते रहें। अपने आप को खुश, गर्मजोशी और सच्चे लोगों से घेरें। कुछ आप वास्तव में चाहते हैं आ रहा है। बेहतर वित्त आ रहा है। आपकी अपनी जगह आ रही है, इस पर दावा करो। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ब्लेसिंग, पॉजिटिविटी और गुड न्यूज से भरपूर रहेंगे। पुष्टि करने के लिए हाँ टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मेरी योजना और मेरा उद्देश्य आपके लिए होगा, भले ही आपके रास्ते में खड़े होने की कोशिश करने वाली परिस्थितियों या बाधाओं की परवाह किए बिना। आगे बढ़ते रहें और विश्वास बनाए रखें। मैं आपसे प्यार करता हूँ। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता। कृपया मुझसे मदद मांगें। मुझे अपने जीवन में आने दो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं आपसे प्यार करती हूँ। महादेव जी कहते हैं, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। आपकी कमजोरी में मैं आपकी ताकत बनूंगा। तुम्हारे दुख में मैं तुम्हारी खुशी बनूंगा। तुम्हारे संकट में मैं तुम्हारा सहायक बनूंगा। महादेव जी कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि आप असफल हैं, इसलिए आप निश्चिंत हो सकते हैं कि कोई और जो कह रहा है वो सही नहीं है। मैं आपके बारे में जो मानता हूँ उस पर ध्यान दें। मैं आपसे प्यार करती हूँ। महादेव जी कहते हैं, आप काफी समय से ऑटोपायलट पर हैं। आपके लिए मौजूद रहना और अपने आसपास की अच्छाई का आनंद लेना कठिन हो गया है। क्षण लो और सांस लो। अपने आसपास की चीजों को स्वीकार करें। मुझसे शांति और शांति के लिए पूछें। मैं आपके साथ हूँ। मैं आपसे प्यार करती हूँ। महादेव जी आपका भला करे। महादेव जी से आप सच्चा प्रेम करते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में बहुतायत को प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे अनदेखा न करें।